सुदर्शन चक्र आज तुम्हारा चक्र सुदर्शन भी काम नहीं आया विष्णु, अब तुम भी भीरु ब्रह्मा की भांति युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाओ। जगदीशु, आपके परम पावन शरीर का स्पर्श पाने के कारण मधु कैटव सुदर्शन चक्र से अवध्य है। अब इनका साहस और अधिक भयंकर हो जाएगा। अरे विष्णु, तुम्हारा सुदर्शन चक्र असफल रहा, फिर हो तो सामने आकर युद्ध करो। मधु कैटभ, तुम दोनों मेरे कान से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मुझे अति प्रिय हो। मेरी बात मानो, पाताल लोक चले जाओ और वहां सुख से निवास करो। देखा कैटभ, इसका सुदर्शन चक्र असफल हो गया तो अब ये हमें उपदेश दे रहा है। अरे विष्णु, उपदेश देना बंद कर, युद्ध कर, युद्ध। मैं यहाँ हूँ। हो रहा पानी के भीतर, चली कहीं का चली विष्णु, सामने आओ। यदि वीर हो तो प्रतीक्षा कर युद्ध करो। मैं यहाँ हूँ वीर असुरो, हम तुम्हारी वीरता परख रहे थे, आओ और दिखाओ अपना पराक्रम। Oh!
धन्य हो मधु कैठव, धन्य हो। तुम दोनों वास्तव में महान योद्धा हो, महापराक्रमी, महाबलशाली तथा हर प्रकार की युद्ध विद्या में पारंगत हो। युद्ध नियमों का ज्ञान होने पर भी तुम जैसे महान योद्धाओं को युद्ध नियमों की अवहेलना करना शोभा नहीं देता। किस नियम की बात कर रहे हो तुम? तुम जैसे दो महापराक्रमी योद्धा मुझ अकेले से युद्ध कर रहे हैं, क्या ये उचित है? हम तुम्हारी इस इच्छा का सम्मान करते हैं विष्णु। हम दोनों में से जिससे तुम्हारी इच्छा हो उससे युद्ध करो। तुम दोनों वास्तव में महावीर हो, परम ज्ञानी हो। तुम्हारी प्रशंसा को शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मैं तुम दोनों से ही युद्ध करूंगा, किंतु किंतु क्या? मैं कुछ क्षण विश्राम करने का इच्छुक हूँ। विश्राम? हाँ मधु कैठव, विश्राम के पश्चात हम तुम्हें युद्ध से संतुष्ट अवश्य करेंगे। हम तुम्हारी विनम्रता पर प्रसन्न हैं। हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार विश्राम का अवसर देते हैं। तेरे तथा असुरा शक्ति की जय हो, जय हो, जय हो। विधाता शनिदेव की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। शुक्राचार्य, आज मेरी कुदृष्टि राग द्वेष छल कपट नीति अनीति कुनीति दाह ईर्ष्या की भयानक विस्फोटक शक्ति का प्रहार देखा आपने? हमने ही नहीं शनिदेव, आपकी भयानक विस्फोटक शक्ति का प्रहार तो अब संसार ने भी देख लिया। मेरे पिता सूर्य देव ने देखा कि नहीं? राहुल, अपने आराध्य देव विष्णु की पराजय से भला सूर्य कैसे मुंह मोड़ सकता है? देवता भयभीत हैं। आज मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, तुम्हें स्मरण है ना राहू कि प्रियव्रत पर कुदृष्टि का प्रहार करते समय विष्णु के अमोघ अस्त्र ने मेरा जो अपमान किया था उसके प्रतिशोध स्वरूप मैंने सूर्य के सम्मुख क्या प्रतिज्ञा ली थी? भली भांति स्मरण है शनिदेव, आपने सूर्य से कहा था। सूर्यदेव, मैं इस अपमान का प्रतिशोध लेकर ही रहूंगा। अपमान की धधकती हुई ज्वाला में जलते हुए शनि की प्रतिज्ञा भी सुन ले कि समय आने पर मैं विष्णु का इतना ही घोर अपमान करूंगा जिससे विष्णु सारे संसार में कलंकित हो जाएगा।
शनिदेव, आपकी प्रतिज्ञा सत्य प्रमाणित हुई। जगदीश्वर विष्णु की शक्ति पराक्रमी दैत्यों के सम्मुख पराजित हो गई। जगत पालक कहलवाने वाले बहुरूपिय को संसार के सामने अपना मस्तक झुकाए रखना होगा। प्रतिशोध मेरा ही पूर्ण नहीं हुआ शुक्राचार्य। महासम्मेलन में विष्णु ने आपका जो अपमान किया था, आज उससे भी अधिक उसका घोर अपमान हुआ है। समुद्र मंथन के समय अमृत पीने के कारण विष्णु ने जो मुझ पर चक्र सुदर्शन का प्रहार किया था, उसका दंड उसे आज भुगतना ही पड़ेगा। सावधान देवी सरस्वती, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शनि देव और राहु ने एक भयानक षड्यंत्र रचकर दैत्य शक्ति को जगदीश्वर भगवान विष्णु के शरीर का स्पर्श करवा दिया है, जिससे दैत्य शक्ति अपराजय होती जा रही है। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवी महालक्ष्मी? हम त्रिदेवियों की त्रिशक्ति को मिलकर जगदीश्वर को बल प्रदान करना होगा। यही उचित होगा। इस समय जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु को हम त्रिशक्तियों की आवश्यकता है। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती आए और हमारे साथ त्रिदेवियों के शक्ति स्वरूप को प्रकट करें। ब्रह्मदेव और जगदीश्वर श्री विष्णु पर प्रहार कर अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। अब तुम जीवित नहीं बचोगे, तुम्हारा अंत निकट है। अष्टभुजा धारिणी शक्ति देवी, तो क्या अब तुम युद्ध करके हमारा संहार करोगी? तुम्हारा संहार भगवान श्री विष्णु के द्वारा होना निश्चित है, मधु कैठब। हमारा संघार
हमारी स्वयं की इच्छा से ही होगा। अब भगवान श्री विष्णु की विजय सुनिश्चित है। अष्टभुजाधारिणी माँ जगदम्बा की जय, जय, जय। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय, जय, जय। कैथब, अब विश्राम समाप्त हुआ। आओ हम पुनः भीषण युद्ध प्रारंभ करें। भैया कैथब, हे विष्णु हमसे पुनः युद्ध करने की इच्छा रखता है, किंतु अब इससे हमारा युद्ध अनुचित है। हाँ, क्योंकि ये वीरों का वीर है। सत्य वचन बोलने वाला ये विष्णु वास्तव में महान है मधु भैया। हाँ, इसने युद्ध क्षेत्र में ही हमारे महान और भयंकर पराक्रम की हृदय से प्रशंसा की है। इसने हमें महाज्ञानी और महावीर कहा। हम इसकी सत्य निष्ठा पर प्रसन्न हैं। इसका रण कौशल भी प्रशंसनीय है। हाँ, हम दोनों भयानक आसुरी शक्ति संपन्न दैत्य और ये अकेला, परंतु इसने हमारी युद्ध की भूख को शांत कर हमें संतुष्ट किया है और हमें प्रसन्न किया है। ये क्या मूर्खता कर रहे हो मधु कैटब? मधु कैटब, सावधान, युद्ध करो, अन्यथा विष्णु तुम्हारा संहार कर देगा। हम तो इसके सत्य वचन और पराक्रम की जय जयकार करने के इच्छुक हैं। क्यों कैटब भैया? बोलो, महापराक्रमी सत्य वचनी श्री विष्णु की जय, जय, जय। मधु कैटब, ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अपने ही शत्रु की जय जयकार कर रहे हो? क्या तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है मधु कैटब? युद्ध करके परास्त करो विष्णु को। जिसके पराक्रम और सत्य वचन ने हमें प्रसन्न किया है, उसे हम क्यों परास्त करें? उसके पराक्रम और सत्य निष्ठा को तो हम वरदान देकर प्रोत्साहित करेंगे। क्यों मधु भैया? सत्य वचन कैटब। वरदान मांगो जगत पालक श्री विष्णु। हम आपके रण कौशल और सत्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हैं। आप तनिक भी संकोच न करें और अपनी इच्छा का कोई भी वरदान हमसे प्राप्त कर लें। बुद्धिहीन मधु कैटब, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। शत्रु को वरदान देने की भूल न करना मधु कैटब, अन्यथा मारे जाओगे। हमारे मार्ग में रोड़े ना अटकाओ शुक्राचार्य। शनिदेव, जिसने हमें प्रसन्न किया उसे वरदान देना हमारा कर्तव्य है। तुम हमें प्रसन्न करो, हम तुम्हें भी वरदान देंगे। शनिदेव, आप अपने जिस कुचक्र की पढ़ चढ़ कर प्रशंसा कर रहे थे उसका परिणाम देख लिया आपने? क्या कहने के इच्छुक हैं आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य? संगठित असुर शक्ति को विष्णु के शरीर को स्पर्श करने का परिणाम देखे आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। वरदान देने की परंपरा तो देवताओं
विशेष रूप से विष्णु को ही प्रिय है। सर्वनाश। आप मौन क्यों हैं श्री विष्णु? आप अपना इच्छित वरदान मांग लें। क्या आपको हमारे वचन पर विश्वास नहीं है श्री विष्णु? हमें तुम दोनों पर पूर्ण विश्वास है दैत्यवीरों। हम स्वयं तुम्हारी वीरता पर मुग्ध हैं। धन्य हैं, धन्य हैं। आह, कितने सुंदर विचार हैं आपके। आप वरदान मांगे? आप जो मांगेंगे वो हम आपको सहर्ष देंगे श्री विष्णु। एक बार पुनः सोच विचार कर लें दैत्यवीरों, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। हम पछताने के लिए उत्पन्न नहीं हुए श्री विष्णु। आप वरदान मांगे। यदि आप हमें वरदान देने के ही इच्छुक हैं दैत्यवीरों, तो ऐसा वरदान दें कि आप दोनों की मृत्यु हमारे ही द्वारा हो। हमारी मृत्यु? क्या आप हमें जीवित देखने के इच्छुक नहीं है श्री विष्णु? हमारी मृत्यु से आपको क्या प्राप्त होगा श्री विष्णु? जगत पालक होने के कारण इस संसार और समस्त प्राणियों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। दैत्य शक्ति का उत्थान संसार के कष्ट और यातना का कारण बन सकता है। उनकी हिंसा भावना, अकारण बैर भाव संसार का सर्वनाश कर सकते हैं। इसी कारण हम मात्र आप दोनों की मृत्यु का वरदान पाने के इच्छुक हैं। संसार कल्याण की तुम्हारी भावना से भी हम प्रसन्न हुए। हम तुम्हें अपनी मृत्यु का वरदान देते हैं। तथास्तु। परंतु हम इस महासागर के जल में मरने के इच्छुक नहीं हैं। जल के अतिरिक्त किसी और स्थल पर हमारी मृत्यु हो, आप हमारी अंतिम इच्छा को पूर्ण करें श्री हरि विष्णु। हम तुम्हारी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उसे अवश्य पूर्ण करेंगे महाबली दैत्यों। परमवीर दैत्यों, हमें अपनी मृत्यु का वरदान देकर तुमने हमारे शरीर के स्पर्श से प्राप्त दिव्यता को खो दिया है। इस कारण तुम्हारा वध हमारा चक्र सुदर्शन ही करेगा। हमें मृत्यु का भय नहीं है श्री विष्णु। तुम्हारे जैसे महापराक्रमी सत्यवचनी जगदीश्वर के हाथों मृत्यु को प्राप्त करके हमें अति प्रसन्नता होगी। मूर्ख! हे महापराक्रमी श्री विष्णु, हमें शीघ्र ही मृत्यु प्रदान करें। मधु, कैटभ, तुम दोनों के पराक्रम, धैर्य तथा दृढ़ता को मैं जगदीश्वर विष्णु प्रणाम करता हूं। धन्य हो श्री विष्णु, धन्य हो।
चक्र सुदर्शन, इन दोनों का वध कर दो। छल पूर्वक मृत्यु पर शोक प्रकट करने के अतिरिक्त अब हमारे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। यह आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? मैं यहाँ पराक्रमी दैत्य मधु कैटब की छल पूर्वक हत्या पर शोक प्रकट करने नहीं, अभी तो त्रिदेवों के विरोधी संघ की नई योजनाएं बनाने आया हूँ। नई योजनाएं? अब कई युगों तक असुर शक्ति पाताल से जागृत होने का नाम नहीं लेगी। किंतु विष्णु के छल के कारण मेरा क्रोध जागृत हो चुका है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। मैं स्वयं की शक्ति से जगत पालक विष्णु के इस संसार को जलाकर भस्म कर दूंगा, किंतु उसके छल को कदापि क्षमा नहीं करूंगा, कदापि नहीं। परंतु अपनी मित्रों की मूर्खता को क्यों क्षमा कर दिया तुमने? आप किस मूर्खता की ओर संकेत कर रहे हैं दैत्य गुरु? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मूर्खतापूर्ण वो कार्य हमारा तुम्हारा नहीं है राहु, उस मूर्खता के उत्तरदायी है शनिदेव, जो स्वयं ये कहने में गर्व करते हैं कि समस्त संसार का राग द्वेष छल कपट नीति अनीति कुनीति दृष्टि कुदृष्टि उनमें आश्रय पाते हैं। बात बात पर अपनी कुदृष्टि का भय दिखाने वाले उस सूर्य पुत्र की नीति अनीति आज परास्त हो गई। आज हमारी पराजय और मधु कैटब की हत्या शनि देव की मूर्खता के कारण हुई है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस प्रकार हमें चकित ना करें भाग्य विधाता शनि देव। प्रकट हो शनि देव। शनिदेव, विष्णु द्वारा आपका आशीर्वाद प्राप्त परम वीर दैत्य मधु कैटव की छल पूर्वक हत्या से दैत्य गुरु विक्षिप्त से हो गए हैं। इन पर क्रोधित ना हो शनिदेव। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर क्रोधित होने नहीं आया हूँ। ना, 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 ना। अपितु मैं इस दीनहीन ब्राह्मण के साहस की प्रशंसा करने पधारा हूँ, जिसने मेरा ही प्रोत्साहन पाकर मुझे ही मूर्ख कहने का दुस्साहस जुटा लिया। चकित होने की आवश्यकता नहीं है शुक्राचार्य, मैं वास्तव में तुम्हारे साहस की प्रशंसा करने ही यहाँ पधारा हूँ। ये तो मेरी मित्रता का परिणाम है कि आज तुम मेरी ही भाषा बोल रहे हो। संसार की सर्वाधिक भयानक
और विस्फोटक शक्ति को तुम मूर्ख कहने का दुस्साहस कर रहे हो। तुम्हारा दुस्साहस प्रशंसनीय है शुक्राचार्य। तुम्हारा ये रूप वास्तव में विष्णु के संसार का सर्वनाश कर देगा। धन्य 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 आप शुक्राचार्य, धन्य। शनिदेव शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, आप अपने क्रोध को शांत करें। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आप दैत्य गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं अथवा उन पर क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं। शनिदेव के क्रोध प्रदर्शन ढंग से तुम अपरिचित नहीं हो रहे हो। यदि शनिदेव का क्रोध जागृत हो गया होता तो शुक्राचार्य अब तक अपने मधुकैटभ समीप यमलोक पहुंच गया होता। शनिदेव, आपका अहंकार दैत्य गुरु शुक्राचार्य को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। शनिदेव को अपने कार्य में चुनौती देने की आवश्यकता नहीं होती दैत्य गुरु। उसकी कुदृष्टि का परिणाम तो क्षण मात्र में हो जाता है, किंतु शनिदेव की समस्या यही है कि वो सरलता से किसी को अपना मित्र नहीं बनाता, किंतु एक बार मित्रता कर लेता है तो बार बार क्षमा करता रहता है। कि वो सरलता से किसी को अपना मित्र नहीं बनाता, किंतु एक बार मित्रता कर लेता है तो बार बार क्षमा करता रहता है। यही तो पहचान है भाग्य विधाता शनिदेव की, कर्मों के अनुसार फल देने वाले शनिदेव की। जय हो जय हो जय हो शनिदेव की। परम वीर मधु कैटभ की मृत्यु पर तुम्हारी ये जय जयकार मुझे सुहा नहीं रही है दैत्य सेनापति राहु। शोक करो उन महादैत्यों की मृत्यु पर। शोक करने के लिए क्या तुम ही पर्याप्त नहीं हो दैत्य गुरु? तुमने हमारे उपकारों का अनुचित अर्थ लगाया दैत्य गुरु शुक्राचार्य। महासम्मेलन में तुम्हारे अपमान के कारण ही हमने तुम्हें अपना मित्र बनाया। तुम्हारी दैत्य शक्ति के उत्थान के लिए हमने भरसक प्रयास किए और तुम विष्णु के छल के लिए मुझे दोष दे रहे हो। मुझे? मैं मात्र सत्य कह रहा हूं शनिदेव कि दैत्यों की पराजय के उत्तरदायी आप हैं। आप, आपने जब जब जो कहा हमने तब तब वो किया। पहली बार आपकी प्रेरणा पर जब हमने सोए असुरों को पाताल से जगाया तो वे प्रियव्रत द्वारा निर्ममता पूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए। जो बीत गया है उस पर आंसू बहाने से क्या लाभ दैत्य गुरु? आज मुझे कह लेने दो राहु, यदि आज न कह सका तो हताश निराश और पराजित दैत्य जाति मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। कहें दैत्य गुरु कहें, आपकी हर बात का उत्तर है मेरे पास। सत्य तो यह है कि दैत्यों की पराजय का उत्तरदायी मैं नहीं आप हैं। आप जब पातालवासी असुरों को सिद्धि संपन्न करने की आवश्यकता थी तब आप अपने पिता के आदेश पर शिव को प्रसन्न कर स्वयं सिद्धि प्राप्त करने का लोभ दिखा रहे थे। जब दैत्यों को युद्ध विद्या में पारंगत करने की आवश्यकता थी तब आपने उन्हें नींद से जगाने का तनिक भी प्रयास नहीं किया। आप अपना दोष मुझ पर थोप रहे हैं, मुझ पर, भाग्य विधाता शनिदेव पर। संगठित असुर शक्ति से जन्मे परमवीर दैत्य मधु कैटभ की असुर ज्योति को विष्णु के शरीर से स्पर्श करवाने का परिणाम आपने देख लिया है। उन्होंने युद्ध में विष्णु के स्वभाव विशेषता दिखाई, विष्णु को वरदान देना प्रिय है। विष्णु के शरीर का स्पर्श पाकर मधु कैटभ ने उन्हें अपनी ही मृत्यु का वरदान दे दिया। इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास शनिदेव। ये प्रश्न आपसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य नहीं अपितु संपूर्ण असुर जाति पूछ रही है। उस स्पर्श का ही परिणाम था कि जगदीश्वर विष्णु की शक्ति मधु कैटभ के सम्मुख पराजित हो गई। उसे मातृशक्ति की सहायता प्राप्त करनी पड़ी।
यह इतना ही दैत्यों के संतोष के लिए पर्याप्त नहीं है शुक्राचार्य? नहीं नहीं शनिदेव, नहीं। विजय ही संतोष के लिए पर्याप्त हो सकती है और कुछ नहीं। विजय के इच्छुक है तो शिव भक्ति को छोड़कर असुरों को हिंसक क्रूर और घोर तामसिक बनाए। शिव भक्ति में अपना समय नष्ट न करें। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा ये परामर्श। नहीं रखने हैं मुझे आपसे ये संबंध। कृपया करके चले जाए यहां से। अपनी मैत्री के लिए दया करें मुझ पर, नहीं तो मैं स्वयं चला जाता हूं। ओम नमः शिवाय। शनिदेव, भाग्य विधाता शनिदेव, दैत्य शक्ति के उपकार करता शनिदेव, आपकी शक्तियां संसार की हर महाशक्ति से महान है। यह सत्य है कि शुक्राचार्य अब दैत्य गुरु बने रहने के अधिकारी नहीं रहे। असुर इन पर शत प्रतिशत सत्य आरोप लगाते हैं कि ये दैत्य गुरु नहीं दैत्य शत्रु है। त्रिदेवों से सिद्धियां प्राप्त करने के लोभ में असुरों का वध करवाते हैं।